चलो आज देखते हैं क्या कंपैरेटर गेट। ठीक है, तो जैसे क्या है मदरबोर्ड में लोग क्या बोलते हैं कि भाई लॉजिक सर्किट बोलते हैं कि भाई मदरबोर्ड में ये लॉजिक सर्किट है। लोगों को क्या है कन्फ्यूज रहते हैं भाई लॉजिक सर्किट क्या होता है। ठीक, तो लॉजिक सर्किट के बारे में आज हम समझते हैं कि भाई लॉजिक सर्किट कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या चीज़ लगी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में ये मदरबोर्ड है लेनोवो का है, पुराना मॉडल है थोड़ा सा। अब इसका प्लेसमेंट नंबर क्या है LA4106P। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं जिससे हमको ये समझ में आएगा कि भाई लॉजिक सर्किट जो होता है वो क्या होता है। ठीक, उसके बारे में समझेंगे। अब जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं कि जैसे अब ये आपका उस दिन में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या था वी इन मॉस्फेट कैसे ऑन होता है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज भी देखते हैं जैसे ये वी इन मॉस्फेट है ये किस तरीके से ऑन होंगे जिससे हमें वी प्लस सप्लाई मिलेगी और लॉजिक सर्किट उसमें कैसे काम करता है। ठीक, तो अब सीधा देखते हैं जैसे वी इन सप्लाई कहाँ से आएगी, एडाप्टर से, फर्स्ट मॉस्फेट सेकेंड मॉस्फेट। अब ये दोनों पी चैनल मॉस्फेट है। ठीक है, तो पी चैनल मॉस्फेट जो होता है आपको बताया गया कि भाई सप्लाई वोल्टेज जो आएंगे वोल्टेज डिवाइडर बना के आएगा। तो इसमें कैसे होगा, ये सप्लाई वी इन आएगी, डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है और ये सप्लाई को पास करेगा और यही सप्लाई क्या है रेजिस्टेंस माध्यम से यहाँ पे, और ये फिर आपका ये दोनों रेजिस्टेंस क्या करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जो प्लस सप्लाई लाती है और दूसरा सप्लाई क्या है माइनस लाएगी, मतलब रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जो ये R2 होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। उस सर्किट में हमने उस दिन यही समझा, उस वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस मॉस्फेट को ऑन होना ज़रूरी है। ऑन होने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि एन चैनल मॉस्फेट है इसके गेट पर करीब 3 वोल्ट आना चाहिए और 3 वोल्ट कहाँ आएगा, ये PSE इन जो लिखा हुआ है यहाँ से। अब ये कहाँ से आएगा मेन हमको ये समझना है। तो जैसे अगर हम इसको सर्च करते हैं तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट आपका ये। ठीक है, अब क्या है यही लॉजिक सर्किट। तो ये जो सर्किट है यही क्या है, ये लॉजिक सर्किट कहते हैं इसको। तो लॉजिक सर्किट के नाम पे लोग क्या है ज़्यादातर क्या है परेशान हो जाते हैं कि भाई लॉजिक सर्किट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये 3 वोल्टेज आएगा तो वो जाएगा उस मॉस्फेट को ऑन कराएगा। तो उसके लिए पहले ये समझो भाई ये है क्या। ठीक, तो ये क्या है, एक गेट बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं कंपैरेटर गेट। तो पहले इसको समझ लो कंपैरेटर गेट क्या होता है, तभी क्या है आगे चीज़ें वो समझ में आएगी। तो लॉजिक सर्किट में होता है क्या, गेट लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, IC के अंदर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं भाई कंपैरेटर गेट होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है कंपैरेटर गेट। ठीक है, तो कंपैरेटर गेट है तो ये 3 पिन का होता है। ठीक, ये इसका सिंबल है, इस सिंबल से क्या होता है पहचानते हैं। अब गेट कहाँ लगा होता है, IC के अंदर लगे होते हैं। अब अगर आप इसका नंबर देखोगे LM339, ठीक, इस IC का LM339, तो ये 8 पिन की IC होगी और इसके अंदर कम से कम 2 कंपैरेटर गेट बने होंगे। ठीक है, तो ये गेट कैसे काम करता है वो आप समझ लेते हैं। तो गेट में 3 पिन होती है, 1, 2 और एक आउटपुट। तो 2 इनपुट होता है, ठीक, और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट की पहचान क्या होती है, एक होता है प्लस सिंबल से बना होता है एक पिन पे और एक पे माइनस सिंबल बना होता है। प्लस वाले को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पिन, मतलब ये जो होती है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग पिन, और माइनस को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग पिन। ठीक, तो इस गेट का काम क्या होता है, इस गेट का काम होता है कि जो दोनों इनपुट पिन है उन दोनों पिन पे आने वाले वोल्टेज को ये कंपेयर करता है और कंपेयर करके उसी हिसाब से लॉजिक जनरेट करता है और हाई या लो के रूप में आउट करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में यहाँ पे आपका 5.1 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे आपका 5.5 वोल्ट आएगा, नहीं मतलब ये समझते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, कि अगर यहाँ 5.1 वोल्ट है यहाँ 5.5 वोल्ट है तो ये गेट क्या करेगा, इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करेगा और कंपेयर करेगा कि इसमें लॉजिक के रूप में, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम को क्या समझेगा वो लो, लो। ठीक, और ज़्यादा को क्या समझेगा, हाई। ठीक, और जो भी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे लॉजिक समझेगा उसी को वो आउट करेगा। अगर इस पे 5.1 है तो कम है मतलब लो है, ये 5.5 है मतलब ज़्यादा है मतलब हाई है, तो यहाँ पे लो है तो ये क्या करेगा, आउटपुट में लो आउट करेगा, लो आउट करेगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 5.6, ठीक है, तो अब ये वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या समझेगा, हाई, और यहाँ पे क्या समझेगा, लो। ठीक है, फिर तो यहाँ क्या करेगा, हाई आउट करेगा। ठीक है, अब ये हाई लो का मतलब क्या, हाई का मतलब करेगा क्या, वोल्टेज। ठीक, और लो का मतलब क्या करेगा, 0 वोल्ट।
मतलब जिसको हम ग्राउंड बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाई का मतलब वोल्टेज करेगा कितना आउट करेगा, वो करेगा गेट के हिसाब से कि यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर बना के सर्किट बना है वहाँ पे कितने वोल्ट यहाँ जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों पिन पे आने वाले वोल्टेज को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो भी लॉजिक बनेगा उसी को आउट करेगा। अगर यहाँ हाई लॉजिक बन रहा है तो यहाँ पे क्या हाई आउट करेगा, हाई में मतलब क्या करेगा वोल्टेज, जो सर्किट के हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे। और अगर लो लॉजिक बनेगा कंपेयर करने पे तो नॉन इन्वर्टिंग जो बनेगा वही आउट करेगा, ठीक है। तो अगर लो बन रहा है तो क्या करेगा, लो, लो का मतलब जीरो करेगा, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्या लॉजिक सर्किट। तो लोग क्या है इसी में क्या होते हैं कंफ्यूज आते हैं, भाई लॉजिक सर्किट क्या होता है, बोलते हैं बहुत लॉजिक सर्किट बना हुआ है। तो अगर गेट की वर्किंग अगर आपको पता है तो गेट और भी होते हैं, जैसे एंड गेट और गेट नॉट गेट, तो उसी तरीके से क्या होता है एक कंपैरेटर गेट ये बना होता है जो कि कई सारे मदरबोर्ड में होता है और एक लॉजिक जनरेट करके सर्किट को ऑन ऑफ कराता है, ठीक है। चलो तो आज इसके बारे में बोलते हैं।